हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का जितने भी स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट बेसिक ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल जो उनका सब्जेक्ट है, आज हम उसके चैप्टर नंबर 1 जो हमारा ऊर्जा के स्रोत के नाम से जाना जाता है, आज हम उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्वार ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं, टीडीएल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हमने जल ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, और इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने इसके पहले पढ़ लिया है। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, ज्वार ऊर्जा टीडीएल एनर्जी। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं कि ज्वार ऊर्जा देखिए क्या है, हमारी जो हमारी ज्वार ऊर्जा होती है क्या होती है। तो आपने देखा हो कि समुद्र में ज्वार और भाटा आते रहते हैं। समुद्र का जल जब उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब स्थिर हो जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो उससे उसको जो समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, हम क्या करते हैं उसका हम यूज़ करके ज्वार ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ज्वार ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए समझते हैं क्या यहाँ पे लिखा है, कि समय समय पर समुद्र में ज्वार उठते हैं जिसका कारण सूर्य तथा चंद्रमा का सम्मिलन प्रभाव है। अब देखिए यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि समुद्र में जो ज्वार उठता है उसका क्या कारण होता है। तो उसका कारण यही होता है कि सूर्य और चंद्रमा का सम्मिलन जो होता है उसी के कारण ज्वार उठता है। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार यानी जिसको हम भाटा कहते हैं, के तलों के अंतर जो न्यूनतम 5 मीटर होना चाहिए से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए जो हमारी ज्वार ऊर्जा होती है उससे या तो हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और हम उससे क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जितनी भी ऊर्जा होती है उससे हम क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो हम विद्युत ऊर्जा के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो देखिए आशा करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि ज्वार ऊर्जा क्या होता है। तो अब देखिए ज्वार ऊर्जा प्राप्त करने की विधियाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्वार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समुद्र की खाड़ियों में उचित स्थान पर जलाशय बना दिए जाते हैं। ये जलाशय संकरे, संकरे मतलब पतले से, पतले मार्ग द्वारा समुद्र से संबंधित होते हैं। इन संकरे मार्गों पर गेट एवं टरबाइन लगा दिए जाते हैं। जब समुद्र में ज्वार आता है तो समुद्र से जल टरबाइन को चलाता हुआ गेट में प्रवेश करता है एवं जलाशय को भर देता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। और देखिए आगे क्या लिखा है कि भाटा के समय समुद्र का जल स्तर नीचे होने लगता है और जलाशय में भरा हुआ जल समुद्र में वापस जाने लगता है। वापस जाते समय जल पुनः टरबाइन को चलाता है। इस प्रकार समुद्र में ज्वार एवं भाटा दोनों, ज्वार एवं भाटा आने के समय जल की स्थितिज ऊर्जा को टरबाइन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये चीज़ तो आप समझ में आया नहीं होगा कि ये जो थ्योरी आपने अभी देखा कि ज्वार ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे हम प्राप्त करते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आया नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से समझेंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, क्या फिगर क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या है, एक खाड़ी है हमारा। अब देखिए समुद्र के किनारे ही हम क्या कर सकते हैं, ज्वार ऊर्जा का उत्पन्न कर सकते हैं जिसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक खाड़ी हमने बनाया है ना, समुद्र के किनारे एक खाड़ी है और ये हमारा समुद्र है। अब देखिए समुद्र के किनारे क्या हमने बना लिया है, एक स्तंभ बना लिया है और इस तरफ जलाशय बना लिया है जिसमें जल को एकत्रित किया जा सकता है। और इस स्तंभ में हमने क्या क्या उपयोग किया है, इसमें टरबाइन लगाया है और जनरेटर को लगाया है और एक सकरा रास्ता बना दिया है कि यहाँ से जल जो है यहाँ तक जाएगा। तो देखिए जब क्या होता है कि जब समुद्र में ज्वार आता है, तो जब ज्वार आता है समुद्र में तो क्या होता है, समुद्र का जल उठ जाता है। तो जब समुद्र का जल उठता है तो इस सकरे, इस पतले रास्ते से, हमारा जो पतला रास्ता यहाँ पे है, इससे होता हुआ जल इस टरबाइन को घुमाता है। और जब टरबाइन हमारा घूमता है तो जनरेटर उसमें लगा होता है। तो जनरेटर, जब टरबाइन हमारा घूमेगा तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगी, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके हम जनरेटर को चलाते हैं, और जनरेटर क्या करता है, इस यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा को या फिर बिजली को उत्पन्न करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ से टरबाइन को चलाता हुआ जल जलाशय में जाएगा तो ये जलाशय भर जाएगा हमारा। अब देखिए तो ये हमारा टरबाइन चला, और जब टरबाइन चला तो यांत्रिक ऊर्जा
हमारी बनी अब यांत्रिक ऊर्जा का हमने जनरेटर द्वारा उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया। अब चित्र में तो ये होता है, जब ज्वार आता है तो ये होता है। अब देखिए जब भाटा आता है तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब भाटा आता है, देखिए जब भाटा आएगा तो क्या होगा, समुद्र का जो जल स्तर होगा वो नीचे होने लगेगा। तो जब समुद्र का जल स्तर नीचे होने लगेगा तो मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा जलाशय भरा हुआ है वो क्या होगा, यहाँ सकरे मार्ग से क्या होगा, इधर आने लगेगा। तो देखिए जब यहाँ से सकरे मार्ग से जल इधर आएगा पतले रास्ते से, तो ये टरबाइन पुनः फिर घूमेगा। अब जब टरबाइन घूमेगा तो फिर यांत्रिक ऊर्जा हमारी उत्पन्न होगी, और उस यांत्रिक ऊर्जा को हम जनरेटर द्वारा उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं ज्वार भाटा से, यानी ज्वार ऊर्जा से। तो आप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यही चीज़ जो जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, वही चीज़ हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ज्वार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समुद्र की खाड़ियों में उचित स्थान पर जलाशय बना दिए जाते हैं। तो देखिए समुद्र की खाड़ी है ये, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, जलाशय बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये जलाशय सकरे मार्ग द्वारा समुद्र से संबंधित होते हैं। अब ये देखिए ये जो जलाशय हमारा ये वाला है, ये सकरे मार्ग द्वारा क्या होते हैं, समुद्र से संबंधित होते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो हमने चीज़ें जो थ्योरी हमने यहाँ पे लिखा इसी चीज़ से लिखा है। अब देखिए क्या लिखा हमने कि इन सकरे मार्गों पर गेट एवं टर्बाइन लगा दिए जाते हैं। अब देखिए इस सकरे मार्ग पर हमने टर्बाइन लगा दिया, ये हमारा हो गया। अब देखिए जब समुद्र में ज्वार आता है तो समुद्र से जल टर्बाइन को चलाता हुआ गेट में प्रवेश करता है एवं जलाशय को भर देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब समुद्र में ज्वार आया तो अब जल जो है इस मार्ग से इसको घुमाता हुआ इसमें भर गया। तो मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा आगे, देखिए भाटा के लिए कि भाटा के समय समुद्र का जल स्तर नीचे होने लगता है और जलाशय में भरा हुआ जल समुद्र में वापस जाने लगता है। तो देखिए अब भाटा जब आया तो ये जो जलाशय भरा हुआ था हमारा, यहाँ से जल क्या हुआ, इस मार्ग से वापस जाने लगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमने वही लिखा है कि जल समुद्र में वापस जाने लगता है, वापस जाते समय पुनः टर्बाइन को चलाता है। इस प्रकार समुद्र में ज्वार एवं भाटा आने के समय जल की स्थिति ऊर्जा को टर्बाइन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो हमने जो चित्र बनाया था इस चित्र के माध्यम से ही हमने क्या लिखी है, थ्योरी को लिखा है। तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए इसके हम कुछ लाभ और हानि को देखते हैं कि लाभ और हानियाँ क्या हैं इसके। तो देखिए जो हमारा ज्वार ऊर्जा होता है उसका लाभ देख लीजिए, एडवांटेज क्या होता है कि इनमें कम खर्चे पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ज्वार ऊर्जा से कम खर्चे पर हम विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न कर सकते हैं, या ऊर्जा का अनंत स्रोत है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। अब देखिए समुद्र और पानी हमेशा रहेगा, तो मतलब ऊर्जा का क्या है, अनंत स्रोत है, और इससे प्रदूषण भी नहीं उत्पन्न होता है, आसानी से हमें ऊर्जा मिल जाती है। जटिल उपकरणों एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं होता है इसमें भी, देखिए ज़्यादा उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं, एक टर्बाइन होता है और जलाशय बना देते हैं। तो जटिल उपकरणों एवं आधुनिक तकनीक का हम कोई उपयोग नहीं करते हैं, तो मतलब कम खर्चे में हम इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या है, सीमाएँ, सीमाएँ देखिए क्या है, सीमाएँ का मतलब हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ये बिजली घर केवल समुद्र के किनारे स्थापित किए जा सकते हैं। अब देखिए अब समुद्र जहाँ होगा वहीं ज्वार भाटा आएगा, तो जाहिर सी बात है अगर हमें बिजली को उत्पन्न करना है तो क्या करेंगे, हम समुद्र के किनारे बिजली घर का स्थापित करेंगे। अब देखिए सेकंड वाला क्या है यहाँ पे, ज्वार भाटा आने आने की तीव्रता तथा समय निश्चित होना चाहिए। देखिए ज्वार भाटा जो आता है हमारा वो क्या होता है कि उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारा क्या बता रहा था यहाँ पे कि 5 मीटर होना चाहिए जो न्यूनतम अंतर होना चाहिए ज्वार और भाटा का, 5 मीटर होना चाहिए। तो यानी तीव्रता भी और समय जो होता है निश्चित नहीं होता है, कब ज्वार आएगा कब भाटा आएगा। तो यही सब इसकी सीमाएं हैं। और इसके कुछ उपयोग को देख लेते हैं, उपयोग क्या है हमारा कि यदि ज्वार ऊर्जा का समुचित ढंग से दोहन किया जाए तो यह विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक बहुत बड़े भाग की आपूर्ति कर सकती है। तो देखिए यदि ज्वार ऊर्जा का हम अच्छे ढंग से उपयोग करें तो विश्व की जो हमारी ऊर्जा का जो खपत हो रही है, जो ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, उसको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। और हम आपको ये भी बता चले कि हमारे भारत में कच्छ की खाड़ी में एक ज्वार ऊर्जा विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में हमारे भारत देश में ज्वार ऊर्जा का एक क्या किया गया, विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। आपको वही बता चले। और
तो आपको ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।